देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर के अहम खबरों की, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। एचआरटीसी का बड़ा फैसला, 90 और रूट्स पर चलेंगी इंटरस्टेट बसें। कोरोना की मार लगातार, नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 2 महिलाओं ने दम तोड़ा। हिमाचल में 147 नए पॉजिटिव, 140 लोगों ने दी कोरोना को मात। अटल टनल के बाद अब शिंकुला दर्रे में बनेगी 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग, हवाई सर्वे को पहुंचा चिनूक हेलीकॉप्टर। कांग्रेस ने बीआरओ से मांगा जवाब, रोहतांग टनल में कब लगेगी सोनिया गांधी के नाम की पट्टिका। किन्नौर में दहके रिब्बा, रुनंग और छितकुल के जंगल, करोड़ों की वन संपदा राख। और अब खबरें विस्तार से। यात्रियों की बढ़ती संख्या और फेस्टिवल सीजन को देखते हुए एचआरटीसी ने 90 और रूट्स पर इंटरस्टेट बसें चलाने का निर्णय लिया है। देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल पथ परिवहन निगम शुक्रवार से 90 और रूट्स पर इंटरस्टेट बसें चलाने जा रहा है। इस बड़े निर्णय पर अमल के बाद इंटरस्टेट बस रूटों का आंकड़ा 150 तक पहुँच जाएगा। इस फैसले का कारण ये भी माना जा रहा है कि पहले से चलाई गई बसों में 70-80% तक की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है। यात्रियों के उत्साह और आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए उम्मीद है कि इससे लोगों और निगम दोनों को फायदा मिलेगा। अब प्रबंधन इन 150 रूट्स पर यात्रियों के रिस्पांस का अध्ययन करेगा और उसके बाद ही शेष बसें चलाने पर निर्णय लिया जाएगा। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री अबव 90% फॉर बीटेक, एमटेक, बीएचएमसीटी एंड एमटीटीएम। 20% डिस्काउंट इन ट्यूशन फी एंड 100% इन सिक्योरिटी फॉर ऑल द न्यू एडमिशन इन यूजी एंड पीजी कोर्सेज फॉर फुल कोर्स। यूनिवर्सिटी हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द प्रेजेंस ऑफ सीएम हिमाचल प्रदेश। Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D-Pharma, B-Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. चलिए आगे बढ़ते हैं तमाम खबरों के साथ। कोरोना का कहर अभी भी हिमाचल के लोगों को जख्म बांटने से परहेज नहीं कर रहा। आज नेरचौक मेडिकल कॉलेज में 2 बुजुर्ग महिलाओं ने बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में आज 2 कोरोना संक्रमित महिलाओं ने दम तोड़ दिया। इनमें से एक कुल्लू और दूसरी लाहौल स्पीति की निवासी थी। कुल्लू जिला के अखाड़ा बाजार के 80 वर्षीय बुजुर्ग को 14 तारीख को उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था, जो कोरोना संक्रमित होने के अलावा अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थी। इलाज के बावजूद सेहत में सुधार नहीं हुआ और आज दोपहर करीब 1 बजे इनका निधन हो गया। दूसरे मामले में कोरोना से जान गंवाने वाली महिला लाहौल के टिंडी क्षेत्र से संबंधित थी। 68 वर्षीय महिला को 11 तारीख को नेरचौक मेडिकल कॉलेज लाया गया था। कोरोना संक्रमित होने के साथ साथ यह महिला भी हाइपरटेंशन तथा अन्य बीमारियों से पीड़ित थी। नेरचौक मेडिकल कॉलेज के MS डॉक्टर जीवानंद चौहान ने दोनों दुखद मामलों की पुष्टि की है। हिमाचल में कोरोना संक्रमण का दौर आज भी बदस्तूर जारी रहा। गुरुवार को अंतिम समाचार मिलने तक जहां 147 नए संक्रमित मिले, वहीं 140 ने बीमारी को मात भी दे दी। देखें ये कोरोना अपडेट। हिमाचल प्रदेश में अंतिम समाचार मिलने तक गुरुवार को 147 लोग कोरोना संक्रमित हुए। प्रदेश में इसी अवधि में 140 लोगों के स्वस्थ होने की भी राहत भरी खबर है। प्रदेश में अब तक 15,357 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 2,522 रह गई है। अब तक राज्य में 18,155 लोग पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। बता दें कि गुरुवार को 1,827 सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए प्रदेश से लिए गए हैं। इनमें से समाचार लिखे जाने तक 843 की रिपोर्ट आना बाकी है। उधर प्रदेश में अब तक सैंपल के रिकॉर्ड की बात की जाए तो यह आंकड़ा 315,141 हो गया है। इनमें से 316,128 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीमाओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार गंभीर हो गई है। यही वजह है कि अब शिंकुला दर्रे पर 13.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनने जा रही है, जिसके हवाई सर्वे के लिए गुरुवार को लाहौल में चिनूक हेलीकॉप्टर उतरा। देखिए आशीष शर्मा के साथ यह विशेष रिपोर्ट।
अटल टनल के बाद अब 16,500 फुट ऊंचे शिंकुला दर्रे पर टनल का हवाई सर्वे करने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर गुरुवार को सटिंगरी हेलीपैड पर उतरा। डेनमार्क के इंजीनियर बुधवार शाम को जहां केलोंग पहुंच गए थे, वहीं गुरुवार को 500 किलो वजनी एंटीना को हेलीकॉप्टर में लाया गया और ट्रायल के तौर पर केलोंग व आसपास के क्षेत्र में EM सर्वे किया गया। शुक्रवार को इंजीनियर एंटीना से झांसकर रेंज में 600 मीटर गहराई तक भूगर्भीय सर्वे करेंगे। केंद्र सरकार शिंकुला दर्रे पर प्रस्तावित 13.5 किलोमीटर लंबी टनल के निर्माण को लेकर गंभीर है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं अधोसंरचना विकास प्राधिकरण के DGM अनिल ने बताया कि शुक्रवार को शिंकुला दर्रे का हवाई सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद जल्द ही शिंकुला टनल निर्माण के टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान रोहतांग टनल के उद्घाटन के समय सोनिया गांधी के नाम की शिलान्यास पट्टिका हटाने को लेकर कांग्रेस ने फिर हमला बोला है। पार्टी का आरोप है कि वर्तमान सरकार इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है। देखें ये रिपोर्ट। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने BRO को रोहतांग टनल से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम की शिलान्यास पट्टिका को पुनर्स्थापित करने के अल्टीमेटम की याद दिलाई है। उन्होंने पूछा है कि जब BRO ने इस पट्टिका की सुरक्षित रखने की बात कबूली है तो अब उसे पुनर्स्थापित कब किया जाएगा। कांग्रेस इससे कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहती, पर अगर उसे निश्चित समय पर पुनर्स्थापित नहीं किया गया तो सरकार कांग्रेस के आंदोलन से निपटने को तैयार रहे। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि रोहतांग टनल का शिलान्यास सोनिया गांधी ने 28 जून 2010 को किया था। उनके इस शिलान्यास को वहां से हटाना लोकतंत्र की मर्यादा का हनन और पूरी तरह अनैतिक है। उन्होंने BRO से भी पूछा है कि वह बताएं कि क्या उन्होंने ये पट्टिका किसी के आदेश से निकाली थी और अब वह इसे पुनर्स्थापित करने के लिए किसका आदेश चाहती है। किन्नौर के जंगलों में भड़की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। अब तक करोड़ों रुपए की वन संपदा राख हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन ने अब लपटों पर काबू पाने के लिए QRT टीम भेजी है। किन्नौर के रिब्बा रुनंग सहित छितकुल के जंगल आग से दहक रहे हैं। वन विभाग सहित संबंधित क्षेत्रों के ग्रामीण आग पर काबू पाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन आग का तांडव जारी है। DC किन्नौर गोपाल चंद ने भी घटना पर खेद जताया है। DFO किन्नौर के अनुसार सभी स्थानों पर फायर लाइन बना दी गई है और कल तक आग काबू कर ली जाएगी। उपायुक्त ने जनता से लपटे काबू करने के लिए सहयोग की अपील की है। उन्होंने जो मुझे सूचना मिली है DFO के माध्यम से कि वहां जो है फायर लाइन बना दी गई है और वो आग जो है कल तक जो है कंट्रोल कर दी जाएगी। और जहां तक छिटकुट की का सवाल है, ये एरिया जो है वाइल्ड लाइफ जो हमारा DFO है सरहान उनके अंदर आता है। मेरे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इस तरह की कोई भी सूचना नहीं है कि छिटकुट के किसी एरिया में जो वहां पे आग लगी हुई है, ना मुझे पंचायत प्रधान ने कोई सूचना दी है। आपके माध्यम से मुझे सूचना मिली है और जब आप लोगों ने मुझे बताया कि छिटकुट के एरिया में कुछ ऐसी इस तरह की कोई घटना हो रही है, उसमें वहां भी कई दिनों से आग लगी हुई है, संपत्ति को नुकसान हो रहा है, तो जरूर तुरंत जो है हम जो है फॉरेस्ट फार्म के साथ मिल के अगर हमें यहाँ से कोई QRT को भेजने की भी आवश्यकता पड़ेगी, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहेगा कि हमें QRT की भी आवश्यकता है होमगार्ड के जवानों की, तो वो मदद दीजिए, उनको तुरंत दी जाएगी। शराब माफिया के खिलाफ ऊना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एक गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर दो लोगों को हिरासत में लिया है। ऊना सदर थाना की टीम ने गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर मलाहत रोड पर नाकेबंदी कर रखी थी। इस दौरान ऊना से बसोली की ओर जा रहे पिकअप की तलाशी ली तो शराब की खेप बरामद हुई। पुलिस को जांच पड़ताल करने पर गाड़ी से 77 पेटी शराब बरामद हुई। पुलिस ने पाया कि पिकअप गाड़ी में 61 पेटी देसी व 16 पेटी अंग्रेजी शराब है। थाना प्रभारी ऊना गौरव भारद्वाज ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। पिकअप में अवैध शराब ले जाते चालक सहित उसके साथी को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हमारा गुप्त सूचना के आधार पर एक नाका था जो हमने बसोली रोड पे लगा रखा था और वहाँ हमारे ASI नरेश मौजूद थे, तो एक गाड़ी जो है चंडीगढ़ नंबर आई, जब उसको चेक किया गया तो उसमें लगभग 76 पेटी शराब, जिसमें 16 पेटी जो है अंग्रेजी और बाकी देसी शराब थी। उसके बारे में कोई भी लाइसेंस या कोई भी प्रमाण पत्र उनके पास नहीं था। अवैध दारू वो जो है वो हमने कब्जे में ले लिया है और आगामी कार्रवाई चल रही है। स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील वर्कर्स ने अपनी मांगे मनवाने के लिए आज प्रदेश भर में आवाज बुलंद की। आप भी जानिए क्या है इस वर्ग की समस्याएं।
ऑल इंडिया मिड डे वर्कर्स फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेश के 11 जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर मिड डे वर्कर्स ने आज अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रदर्शन किया। इस दौरान शिमला, रामपुर, रोहड़ू, नाहन, सोलन, अर्की, नालागढ़, चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, करसोग, सरकाघाट, जोगिंदरनगर, सराज, कुल्लू, बंजार, आनी और ऊना में कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को ज्ञापन भेजे। यूनियन ने आरोप जड़ा कि केंद्र व राज्य सरकार मिड डे मील वर्कर्स का लगातार उत्पीड़न कर रही है। उन्हें हर महीने 2300 रुपए वेतन दिया जा रहा है जबकि छुट्टी कोई नहीं मिलती। यही नहीं, उनसे कई अन्य काम भी करवाए जाते हैं। ये सभी मल्टीटास्क हैं पर उन्हें मल्टीटास्क वर्कर्स भर्ती में प्राथमिकता नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि इन मांगों को मानने के साथ ही मिड डे मील वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी घोषित कर नियमित किया जाए और 8,250 रुपए न्यूनतम वेतन भी दिया जाए। यही नहीं, ईपीएफ आदि का भी लाभ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब चलते चलते मंडी जिला की महिला किसान सुनीता देवी के मॉडल का कायल हुआ देश। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के समक्ष दी प्रस्तुति। ऊना में दो अलग अलग घटनाओं में युवक व महिला ने जहर खाकर दे दी जान। कंडाघाट में मिली लाश। वर्ष 2003 से पहले नियुक्त सरकारी शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने को बुलंद की आवाज। और कांग्रेस का आरोप, सजिया और पिपलू का कॉलेज सराज ले गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मचा बवाल। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।